हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको फिर से वेक्टर कैलकुलस पढ़ाने वाला हूं। पहला लेक्चर में हमने देखा था वेक्टर कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मिनोलॉजी क्या होती हैं, जैसे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू कर्व्स क्या होता है, एंगल बिटवीन द टू सरफेस क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये सारे कंसेप्ट हमने सीखे थे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर कैसे करते हैं, क्लियर है ना। तो उनके बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस तरह के, आज हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है ना सबको, क्लियर है, ठीक है। इससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं, पहले का लेक्चर देख लें, लेक्चर वन, ताकि आपको ये लेक्चर इजीली समझ आए। यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो बेस्ड ऑन द लेक्चर वन के कंसेप्ट पे हैं, क्लियर है ना। तो लेक्चर वन को आप देख लो ताकि आप यहाँ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। और सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, कॉपी पेन लेके बैठना है सबको, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखता है, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो क्या पूछ रहा है, क्या आंसर आने वाला है। अगर आपका आंसर सही आ गया, इसका मतलब आपको अच्छे से कंसेप्ट भी समझ आया है। अगर आंसर सही नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, कोई ना कोई कंसेप्ट हमसे मिस हो रहा है, तो उस कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। इस तरह से अगर आप अप्रोच रखोगे तो आपको चीजें सीखने को ज्यादा मिलेंगी। समझ आ रही है ना बात, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर वन से। और लेक्चर के अगर पीडीएफ डाउनलोड करने हो किसी को, तो टेलीग्राम ग्रुप से कर सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप लेक्चर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, और कोई बहुत नई बात है नहीं, क्लियर है ना। और अगर वीडियो वाकई में पसंद आते हैं, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज इसको क्या किया करो, शेयर किया करो, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करने में आपको सपोर्ट करूं, ठीक है। लेक्चर हम कंटिन्यू रखने में मुझे भी मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए कंटिन्यू कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। अब देखो, हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक रहते थे, इसको कंप्लीट करा रहा हूं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमारा कंप्लीट हो चुका है, थर्मोडायनामिक्स हो गया है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो जाएगा। अगर वेटेज अगर आप देखते हो, तो 15 नंबर का मैथ्स, कम से कम 8-10 नंबर का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है, और अगर मशीन डिजाइन उसके साथ ले लो तो 15 नंबर का ही आता है, मशीन डिजाइन प्लस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्लियर है ना। फिर भी 15 प्लस 8 भी अगर लेते हैं तो 23, 6-7 नंबर का क्या हो गया, थर्मोडायनामिक्स, मींस ऑलमोस्ट 30 नंबर का कंटेंट हमने कवर कर रखा है, क्लियर है ना। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो तभी करेंगे जब आप लोग सपोर्ट करोगे। तो मैंने डिसाइड कर लिया क्या स्टार्ट करना है, हमको स्टार्ट करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्यों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर हमने सीख लिया तो हम थ्योरी और मशीन पढ़ पाएंगे, क्लियर है ना, मशीन डिजाइन के कंसेप्ट भी समझ पाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो हम पढ़ चुके हैं, थोड़े बहुत कंसेप्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना होता है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। और बहुत आसान कर दूंगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को, आपको यकीन भी नहीं होगा, क्लियर है ना। चाहे उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझना, चाहे आप बेसिक्स को कवर करना, क्लियर है ना। लोगों को प्रॉब्लम आती है जिनके बेसिक सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होते हैं, क्लियर है ना। आपको प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि हमने बेसिक से ही सारी चीजें स्टार्ट की हैं। हर एक सब्जेक्ट मैंने थर्मल का भी बेसिक उठाया है, और डिजाइन का भी बेसिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उठाया है, एक हम इंजीनियर मैकेनिक्स और कर लेंगे। और इन सब का बेसिक क्या है, निचोड़, जिसमें है इंजीनियर मैथमेटिक्स। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ये सरफेस दे रखा है x³ + y³ + 3x² + 4 एट पॉइंट 1, -1, 1, क्लियर है ना। मतलब सरफेस का नॉर्मल वेक्टर अगर हमको निकालना हो, सर क्या निकालना हो, सरफेस का नॉर्मल वेक्टर निकालना हो, देखो यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहा है सरफेस का। इसका मतलब ये हुआ, सर ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट हमको नॉर्मल वेक्टर देता था सरफेस का, और यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ग्रेडियंट बता दो डिवाइड बाई उसका मॉडुलस, क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। हम जानते हैं कि अगर मैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर की बात करता हूँ, सॉल्यूशन देखो बहुत सिंपल है, बाकी सब लोगों को खुद ट्राई करना है पॉज करके, उसके बाद आंसर देखना है। कि यूनिट नॉर्मल वेक्टर हम जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है, अगर मैं इस सरफेस को कुछ मान लेता हूँ, क्या मान लो सर, इस सरफेस को हम मान लेते हैं फाई, और ये सरफेस फाई है, इसको -4 के उधर ले, हम लिख सकते हैं x³ + y³ + 3x² + y z, बहुत अच्छे, -4 = 0। ये कोई सरफेस है, इसका अगर हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, तो क्या होगा, पहले इसका ग्रेडियंट निकालो डेल फाई डिवाइड बाई इसका मॉडुलस निकालो, आ गया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार कंसेप्ट, क्लियर है ना, बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले हम डेल फाई निकालने वाले हैं, देखते रहे ना, डेल फाई
इस पॉइंट पर 1-1 पॉइंट पे निकालेंगे। डेल फाई क्या होता है सर, हम जानते हैं कि आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स यही था ना, ग्रेडियंट जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। कोई मुझे बताएगा एक बार, मुझे बताएगा ये ग्रेडियंट जो होता है ये कौन सी क्वांटिटी है? ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन अगर मैं निकालता हूं तो ये कौन सी क्वांटिटी आती है? ये आती है वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ रहा है ना, और वेक्टर क्वांटिटी में ये आई कैप तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन, जे कैप वाई डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और के कैप जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, क्लियर है ना। और डेल फाई अपॉन डेल एक्स क्या है, ये स्केलर रिप्रेजेंट करता है मींस मैग्नीट्यूड। हमने बोला था वेक्टर क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विच हैज स्केलर एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी, मींस विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये डेल फाई अपॉन डेल एक्स इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ये आई कैप का कहलाएगा डायरेक्शन, क्लियर है ना। इस तरह से हम जानते हैं, देखो अगर मैं निकालता हूं तो लो आई कैप चल रहा है, इस फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव अंदा भी कर देगा। क्या मैं डायरेक्ट लिखूं सर, 3x2, सबको आते होंगे पार्शियल डेरिवेटिव, जिसको नहीं आता है लेक्चर पिछले के देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, कैलकुलस के लेक्चर में स्टार्टिंग से देखना शुरू करो, आपको कैलकुलस भी सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। वाई कर वाई का करेंगे तो जीरो हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ एक्स का करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 6xyz, बहुत अच्छे, इस सब का जीरो, ठीक है। प्लस जे कैप, जे कैप की बात कर रहे हैं, y के रेस्पेक्ट में करेंगे क्या आएगा 3y2, बहुत बढ़िया सर। यहां पर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 3x2 सेम है, जेड भी सेम है, तो यहां पर आ जाएगा 3x2z, बहुत अच्छे। प्लस k कैप जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका भी जीरो, इसका बचा 3x2y, बहुत अच्छे। आपको आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब मैं डेल फाई की वैल्यू निकालना चाहता हूं, किस पर, इस पॉइंट पर, 1.-1.1। इसका मतलब क्या है, ये एक्स की वैल्यू है x=1, ये वाई की वैल्यू है, ये किसकी है, जेड की है, सब जानते हैं, जेड की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 1। यहां पर रखो इस इक्वेशन में, क्या मिल रहा है हमको, जो मिल रहा है सब लिख दो, एक्स की वैल्यू 1 रखी तो ये 3 बचा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस प्लस इधर देखते रहना, 6 × 1 6 × -1 -6 × 1 -6, यहां से -6 आ जाएगा तो मैं इसको मिटा दूं, तो यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, -6 आएगा, इधर देखते रहना, माइनस के 6 3 × -3 = 3 × j, ये तो आ गया हमारा डेल फाई, ये क्या आ गया डेल फाई, अगर मैं निकालता हूँ ये आ गया हमारा, ये कोई वेक्टर टर्म है 3i + 6j - k3, क्लियर है ना। इधर देखते रहो, हमको पूछा था नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो क्या होता है डेल फाई बता दो सर, मॉड ऑफ डेल फाई बता दो, बहुत अच्छे। मॉड ऑफ डेल फाई मतलब इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस हम जानते हैं, सब जानते हैं क्या होगा, इसके जो कोफिशियंट है आई जे के कोफिशियंट का स्क्वायर करो, एड कर दो, अंडर रूट कर दो, मॉडुलस आ जाता है, बहुत अच्छे। तो लिख देंगे -k3i + 6j - 3k - √(-3)2 - 3 2 - 36 - 3 2 9, बहुत अच्छे। यहां से क्या मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल लेंगे, ऊपर से ये आ गया -k i + k 2j, यहां पर -k, यहां से 9 कॉमन निकालना चाहता हूं और बाहर निकालेंगे, 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, बहुत अच्छे। रूट से बाहर 3 निकाला, अंदर क्या बचा, एक 1 बचा, प्लस क्या बचा 4 बचा, फिर क्या बचा 1 बचा, इससे इसे चीर दो, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं देखो, -i + 2j - k और डिवाइडेड बाई √(, इज द करेक्ट। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया सर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, बिल्कुल करो सर, मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, क्या यही करते रहे जिंदगी भर, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमारी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, गेट में पूछा गया कंसेप्ट है, देखो ये है क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव टू द सरफेस (y = x²+(y²)z³) बहुत अच्छी। क्या बात कर रहा है सर, ये बात कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव,
और हमने बोला था कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होती है, स्केलर फंक्शन का पहले ग्रेडियंट निकालो, उसका मैग्नीट्यूड ही क्या बताएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल। हम तुरंत लिख देंगे सॉल्यूशन, बात कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करेंगे तो ग्रेडियंट निकालेंगे स्केलर फंक्शन का, और इसका मॉडुलस ही क्या बताएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये फाई है ना, इसका ग्रेडियंट निकलेगा स्केलर फंक्शन का, निकालो। अभी किया है, अंधा भी बता देगा, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, क्या कर दूं, आई कैप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, सर ये आएगा 2xy²z³ प्लस जे कैप सर इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ये आ जाएगा 2x²yz³, क्योंकि एक्स और जेड तो कॉन्स्टेंट की तरह एक्ट करेंगे और y क्या करेंगे, y स्क्वायर का, यहाँ y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर का क्या होता है 2y, बहुत अच्छे। और प्लस के k कैप, अब x और y तो कांस्टेंट की तरह वेव कर रहे होंगे z के रेस्पेक्ट में, और z क्यों का करेंगे 3z स्क्वायर आएगा, तो हम तुरंत लिख देंगे 3x²y²z², मजा आ गया सर, बहुत अच्छे। क्या मैं वैल्यू रख दूं, बिल्कुल रख दूं सर, डेल फाई की वैल्यू रख देते हम 1, 2, -k1, इसका मतलब ये होगा x=1, y=2, z=-1, देखते रहो 2 × 1x की जगह, y का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, देखते रहो −1 का³ −1, बहुत अच्छे, बहुत शानदार कंसेप्ट प्लस j कैप, क्या शानदार है, इसमें सेम कंसेप्ट है फिर भी करा रहे हैं, क्योंकि लोगों को इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर × 1, बहुत बढ़िया, × y × 2 कर दो, y की जगह 2, z का क्यूब फिर से आ गया −1, क्या हो क्या रहा है, होने दो जो हो रहा, होने दो, होने को कौन टाल सकता है 3 × 1 हो जाएगा यहाँ, × 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ −1 का स्क्वायर, ये −1 का स्क्वायर +1 होता है, बहुत अच्छे। मल्टीप्लाई करो, क्या मैं मल्टीप्लाई करूँ, 4 × 2 = 8 −1 −8 आई आ गया, बहुत अच्छे, प्लस 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 नहीं आएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस साइन चल रहा है, इसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए, हम तुरंत बोलेंगे 2 × 2 = 4 −k 4j, बहुत अच्छे, प्लस 12k कैप, और ये बोल रहा है डेल फाई, ये क्या है डेल फाई आया है, बट हमको तो क्या चाहिए, डायरेक्शनल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए जो मॉडुलस ऑफ फाई के बराबर होती है, मींस इसका मॉड बताओ, इसका मॉड क्या होगा, इस कोफिशिएंट का स्क्वायर, अंदर ही बता दे 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर −4 का स्क्वायर 16 इसका स्क्वायर +144, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है मुझे कोई बताएगा, 4 और 6 10 10 और 4 14 आ गया, ये 4 और 1 5 1 6 6 और 6 12 बचा 1 1 और 1 2 224 इज द करेक्ट आंसर। बाकी आगे सॉल्व होता है, पॉइंट में बता देना आंसर, और गेट के क्वेश्चन में अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो टिक मार देना, नहीं आता है तो हम डायरेक्टली आंसर भी पुट कर सकते हैं। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया सर, और क्वेश्चन करें, बिल्कुल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, 2 नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन गेट में पूछा गया, देखो क्या क्वेश्चन है, इधर देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़ाओ ये हमारा क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई, यहां कहीं भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड आने वाला है आंसर का, आंसर की वैल्यू जो आएगी वो मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आएगी, बहुत अच्छे, जैसे यहां पर आई थी ना, याद रखना है 2/224, ये कुछ मैग्नीट्यूड आया, यहां पर भी मैग्नीट्यूड आएगा 100%, देखते हैं। फिर इसने डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात की है ओनली, मैक्सिमम वैल्यू की नहीं बात की, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, स्केलर फंक्शन या फिर सरफेस एट इस इतने पॉइंट 1, 2, 1 इन द डायरेक्शन ऑफ आई जे के, मतलब गिवन डायरेक्शन में पूछ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ ये, मतलब कहने का अगर हम बात करते थे, हमने पढ़ा था डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है वो क्या होता है, अगर ये फाई है तो पहले इसका ग्रेडियंट निकालो, बहुत अच्छे, इनटू मल्टीप्लाई कर दो ई का, वेयर वेयर ई क्या है, वेयर हमने देखा था ई इक्वल टू जो वेक्टर दिया हुआ है जिसके डायरेक्शन में पूछ रहा है वो वेक्टर, उसका यूनिट वेक्टर जो निकालोगे वही ई कहलाता है, और इसी को हम मान लें क्या, ये ए वेक्टर दे रखा है, बहुत अच्छे, पहले ई निकाल लो, डेल फाई निकाल लो, क्लियर है ना, तो डेल फाई निकाले, ई निकाले, क्या निकाले सर, दोनों निकालो, बहुत अच्छे, तो डेल फाई निकाल लेते, बहुत शानदार कंसेप्ट, इस इक्वेशन को मान लेना 1 आगे यूज करेंगे, ठीक है, और डेल फाई अगर हम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, आई कैप एक्स के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव कोई मुझे बताएगा, स्केलर फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, जहां जहां एक्स आ रहा है वहीं होगा, बाकी 0 हो जाएगा, क्लियर है ना,
जहां एक्स आ रहा है यहां, तो वाई तो कॉन्स्टेंट है यहां, वाई को एज इट इज मानो, एक्स का क्या वन आ गया, ठीक है, यहां पर करेंगे तो प्लस जेड आ जाएगा, बहुत अच्छे। प्लस जे कैप, जे कैप वाई के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाई का क्या आएगा, यहां तो जीरो हो जाना है पूरा टर्म, वाई के रेस्पेक्ट में आ जाएगा एक्स प्लस जेड, बहुत अच्छे। प्लस के कैप, यहां जेड के रेस्पेक्ट में ये तो जीरो हो गया एक्स वाई वाला टर्म, जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई कॉन्स्टेंट है जेड का वन, एक्स कॉन्स्टेंट है जेड का वन, तो यहां से आ जाएगा वाई प्लस एक्स, क्लियर है ना। यहां पर वैल्यू रखेंगे एक्स की जगह वन, हम जानते हैं एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू टू, जेड इक्वल टू क्या है वन, यहां पर वैल्यू रखो, मैं तुरंत लिख दूंगा डेल फाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड कितना है थ्री हो जाएगा, थ्री आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड टू जे कैप प्लस वाई प्लस एक्स, फिर हो गया थ्री के कैप, क्लियर है ना। ये तो आ गई डेल फाई की वैल्यू, हमको क्लियर हो गया, ग्रेडियंट आ गया। अभी हमको ई और निकालना है, क्या निकालना है ई, देखते रहो, हमको निकालना है ई कैप, ई मतलब यूनिट वेक्टर निकालना है। कैसे निकालते हैं सब जानते हैं, ई अगर मैं निकालना चाहता हूं, ए वेक्टर क्या है ये आई कैप माइनस के जे कैप, टू जे है ना, आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू कैप डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन प्लस वन प्लस फोर, इसका होल स्क्वायर क्या होगा वन प्लस वन प्लस, इतना क्लियर है, ठीक है। इधर देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू क्या आएगी, आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के टू के कैप डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन और वन टू, टू और फोर सिक्स आ गया, ये आ गया, क्लियर है सबको, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल दें, इसकी ई की वैल्यू डेल फाई की वैल्यू इक्वेशन वन में रखो, तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो है डेल फाई कितना है, लिख लो डेल फाई इनटू ई के बराबर है, डेल फाई की वैल्यू क्या है कोई मुझे बताएगा, ये रही, ये है ना थ्री आई कैप, थ्री आई कैप प्लस के टू जे कैप प्लस के थ्री के कैप, ठीक है, इनटू ई, ई निकालता हूं आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के टू के कैप डिवाइडेड बाई रूट ओवर सिक्स। सॉल्व करो इसे, इसे सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं यहां से, इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिला, इधर देखो, आई का आई के साथ वन हो जाता है प्रोडक्ट, और थ्री इंटू वन थ्री आ गया, बहुत अच्छे। आई का आई के साथ करेंगे जे का जे के साथ, जे का जे के साथ किया तो माइनस के टू आ जाएगा, टू इंटू वन, यहाँ के का के साथ करेंगे प्लस के सिक्स आ जाएगा, और डिवाइड बाई रूट ओवर सिक्स और थ्री नाइन, नाइन माइनस टू सेवन, सेवन डिवाइड बाई रूट ओवर सिक्स इज द करेक्ट आंसर। देखो मैग्नीट्यूड आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। इस तरह से हमको फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, 100% आ जाएगा, क्लियर है ना। और क्वेश्चन करें बिल्कुल करो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन पे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, जल्दी से पॉज करो, ट्राई करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है, जल्दी बता दो आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से जल्दी। सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा कंसेप्ट दिया है इसमें, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट दिया है, लिटिल बिट कंसेप्ट है, क्या है देखो, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर रहा है, बहुत अच्छे, ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर रहा है इसका, स्केलर फंक्शन का, ये फाई का, एट इस पॉइंट पे पूछ रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बट इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू आर, वेयर आर इक्वल टू इतने। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो क्वेश्चन था उसमें डायरेक्टली एक वेक्टर गिवन था, उसके डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा था, लेकिन यहां डायरेक्टली वेक्टर गिवन नहीं है, यहां पहले हमें वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, दो पॉइंट से मिलके वेक्टर क्वांटिटी बतानी, क्लियर है ना, दो पॉइंट से मिलके वेक्टर क्वांटिटी बतानी। अब इधर देखना कैसे बताते हैं, देखना वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हमारा मैग्नीट्यूड क्या है उसे वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, क्लियर है ना। जैसे मैंने बात की, इधर देखते रहना, जैसे मैंने बात की ये कोई एक्स एक्सिस थी, ये कोई वाई एक्सिस थी, देखते रहना, ये कोई एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस, और मैंने एक पॉइंट ले लिया यहां, देखते रहना, ये पॉइंट मैंने डिफाइन किया, ये क्या है 2, 3, देखते रहना क्या है 2, 3, इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू 2 दे रखा है और y इक्वल टू क्या दे रखा है 3 दे रखा है। x इक्वल टू 2 मींस यहां पर वैल्यू होगी, y इक्वल टू 3 मींस यहां पर वैल्यू होगी, इसका मतलब ये हुआ, देखते रहना। और ये ओरिजिन है इसका 0, 0, बहुत अच्छे। इसको अगर मैं a पॉइंट मानता हूं, इसको b पॉइंट मानता हूं, इसका मतलब a से b तक एक पोजीशन वेक्टर होगा, मैंने बोल दिया ये कोई पोजीशन वेक्टर है जिसे मैं ए बी वेक्टर भी बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। ए बी वेक्टर की वैल्यू अगर कोई लिखता भी है तो क्या होगा, अंधा भी बता देगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट,
वैसे तो डायरेक्टली सब जानते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इधर समझ लो। इस वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि एक्स डायरेक्शन में i जो होता है i कैप, ये होता है यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन, j कैप क्या है यूनिट वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन। इनकी वैल्यू क्या होती है, i कैप और j कैप का वैल्यू 1 होता है, यूनिट तभी बोलते हैं ना यूनिट वेक्टर इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन, क्लियर है ना। ये वेक्टर है और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये 2 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, मींस एक्स डायरेक्शन में 2 है और ये i कैप इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड y डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम लिखते हैं, क्लियर है ना सबको, क्या इतना क्लियर हो गया। इसका मतलब ये फाइनल पॉइंट हमको पता है, इनिशियल पॉइंट पता था, तो फाइनल माइनस इनिशियल किया 2 माइनस 0 2 आ गया। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, इसको मैं x2 बोलूं, इसको मैं x1 बोलूं, x2 नहीं y2, तो क्या बोलूं y2, y है ना, लिखते रहे ना, क्या बोलूं y2। इसको अगर मैं 0 को यहां से स्टार्ट कर रहा हूं x1 से, तो यहां पर y1 से, इसका मतलब ए भी जब मैंने लिखा था वेक्टर, तो क्या लिखा था, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस के वाई वन जे कैप, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, क्या इतना क्लियर है, इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल हो गया। इधर देखो, इसका मतलब हम क्यू आर से मिलके भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू आर पॉइंट से मिलके एक वेक्टर, मतलब कहने का अगर ये पॉइंट हमारा क्यू है, ये पॉइंट हमारा क्या है आर, देखते रहे ना, ये पॉइंट क्या है क्यू, ये पॉइंट क्या है आर, तो क्यू आर से मिलके एक वेक्टर पहले हमें पता करना है। मान लो ये कोई वेक्टर क्वांटिटी, क्यू की वैल्यू क्या है 2 1 0, ये तीनों डायरेक्शन में दे रखा है, हमने यहाँ 2 में लिया था, यहाँ 3 डायरेक्शन में दिया है। आर की वैल्यू क्या है 1 2 3, बहुत अच्छे। क्या मैं लिख दूं क्यू आर जो वेक्टर आ रहा होगा वो क्या होगा, सर एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, क्या इतना क्लियर हो सबको, बिल्कुल हो गया। एक्स टू क्या है 1 माइनस 2, एक्स वन 2 है ना, तो 1 माइनस 2 लिख देंगे आप, 1 माइनस 2 आई कैप प्लस वाई टू की वैल्यू 2, वाई वन की वैल्यू 1 2 माइनस 1 जे कैप प्लस जेड टू कितना 3 माइनस जेड वन 0 के कैप। हम तुरंत बोल देंगे पी क्यू वेक्टर जो आया है ये क्या है, माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के 3 के कैप, इतना क्लियर सबको। ये आ गया हमारा वेक्टर पी क्यू वेक्टर, क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया सर, ठीक है। और यही हम बोलते थे कि इसके डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो इसे ए वेक्टर मान लें, बिल्कुल मान लें। तो इससे पहले ई निकाल लेते हैं, ई क्योंकि ई की जरूरत पड़ेगी। ई क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो गिवन डायरेक्शन में पूछ रहा है, जिस वेक्टर के डायरेक्शन में पूछ रहा है उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर, मींस ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, क्या होगा माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के 3 के कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर, इसका क्या होगा 1, इसका भी क्या होगा 1, तो क्या होगा, क्लियर है ना। यहां से जो आ गया माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के 3 के कैप डिवाइडेड बाय वैल्यू ऐड करो रूट ओवर 11 आ गई, बहुत अच्छे। मतलब ई की वैल्यू आ गई, हमसे क्या पूछ रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव सब जानते क्या होता है, डेल फाई इंटू ई के बराबर होता है, डेल फाई इंटू ई के बराबर, हमें डेल फाई निकालना है पहले, उसके बाद ई में प्रोडक्ट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर माने, नेक्स्ट पेज पे करें, बिल्कुल करो। इधर देख लो, डेल फाई निकालना चाहता हूं, फाई क्या हमारे पास, फाई गिवन है, देखो फाई गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz, फाई गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xyz, बहुत अच्छे। डेल फाई अगर निकालना है ग्रेडियंट, इसका मतलब आई कैप, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव यहां आता है, क्या आएगा 2x प्लस 2yz, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस 2yz प्लस जे कैप, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 2y प्लस 2xz, क्लियर है ना, प्लस के कैप, जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, इसका तो जीरो हो गया, यहां पे आ जाए क्या 2xy, क्लियर है ना। किस पॉइंट पे पूछ रहा है, एट पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं, देखो प्रीवियस में 210 पॉइंट 210 की बात कर रहा है, मीन्स x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 z इक्वल टू, क्या इतना क्लियर है। इधर देखो हमने लिखा आई कैप, एक्स की जगह 2 रखो कितना हो गया 4 प्लस जेड की जगह 0 रखो ये तो तबाह हो गया, बहुत अच्छे 4 प्लस 0 प्लस जे कैप, y की जगह 1 तो 2 आ गया यहाँ, जेड की जगह 0 रखेंगे तो ये फिर से तबाह हो गया प्लस 0, बहुत अच्छे। प्लस के कैप, प्लस के कैप एक्स वाई, एक्स की जगह 2 वाई की जगह 1, देखो 2 इंटू
इनटू, क्लियर है ना। इसको सॉल्व किया तो डेल फाई की वैल्यू आ गई यहां से, क्या आ गई, 4i कैप प्लस के 2j कैप प्लस के 4k कैप, क्लियर है ना, ये डेल फाई आ गया। और फ्रॉम इक्वेशन वन हम लिख सकते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, डेल फाई इंटू ई के बराबर होगा। और ई भी हम जानते हैं कि डेल फाई तो क्या है, 4i कैप प्लस 2j प्लस 4k कैप, यही आया ना डेल फाई, बिल्कुल आया। और देखो ई कितना आया था, ये रहा माइनस के आई प्लस जे प्लस 3k, माइनस के आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई रूट ओवर, नीचे कितना आ रहा था, नीचे आ रहा था 11, रूट ओवर 11। इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर है। आई का आई के साथ करेंगे 4 into -1 माइनस के 4, जे का जे के साथ करेंगे 2 into 1 प्लस के 2, 4 into 3 प्लस के 12, बहुत बढ़िया, डिवाइड बाई रूट ओवर 11। यहां से सॉल्व करने के बाद 12/2 कितना होता है 14, 14 minus 4 10 अपॉन रूट ओवर 11 इज द करेक्ट। ये था हमारा आंसर, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, मजा आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया सर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो हमने देखा अगर किसी भी स्केलर फंक्शन को देता है और उसका डेल ऑपरेटर लगाते ग्रेडियंट होता है पहली चीज, और ग्रेडियंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आता है। देखो ग्रेडियंट जो आ रहा है ये क्या है, वेक्टर आ रहा है। किसी भी सरफेस का अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूं, ये देखते रहना, ग्रेडियंट ऑफ एनी सरफेस, यहां लिखना चाहो तो लिख लो, ग्रेडियंट ऑफ एनी सरफेस विल बी अ वेक्टर, क्लियर है ना, एक वेक्टर दे देगा हमको, बहुत अच्छे। अगर हमसे ग्रेडियंट पूछता है इसका मतलब सरफेस को वेक्टर के टर्म्स में पूछ रहा है, बहुत पहली चीज। दूसरी चीज डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। अभी तक हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव ग्रेडियंट के बारे में बात की, हमने एक और टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में जिसे बोला था वेक्टर बताओ बिटवीन टू कर्व्स, वेक्टर नहीं एंगल बताओ बिटवीन टू कर्व्स। अगर दो वेक्टर कर्व दे रखी है उनके बीच का एंगल, फॉर्मूला था सीधा सीधा क्या था, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर, ये फॉर्मूला था, सबको याद होगा, जिन्होंने लेक्चर देखा होगा, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। बार बार मैं एक ही चीज नहीं बोल सकता कि पहले वो लेक्चर जाके देखो, बार बार मुझे बोलनी पड़ती चीजें, क्यों, क्योंकि लोग बाग देखते ही नहीं है, सूरमा बनने की कोशिश करते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, तेल पानी निकल जाता है, क्लियर है ना, तेल पानी निकलना नहीं चाहिए। तो पहले कंसेप्ट को समझो उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश, क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी स्क्रीन पर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, गेट का ही कंसेप्ट है और बहुत ही खूबसूरत है, इधर देखना, इसको मैं और खूबसूरत बनाऊंगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं और खूबसूरत बनाऊंगा, अभी यहां देखते रहना। पहली चीज बात कर रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस, दो सर्फेस दे रखे हैं, हम इसको मान लेते हैं एक सर्फेस जो है एफ सर्फेस, गिवन है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन अगर मैं करने जाता हूं तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि जो सर्फेस है एक एफ इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं इसको 27 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 27 इक्वल टू 0, एक सर्फेस ये दे रखा है। दूसरा सर्फेस क्या है, जी इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस के जेड माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। बोला इन दोनों सरफेस के बीच में एंगल बताओ, हम जानते हैं एंगल बोलता है दो सरफेस के बीच में एंगल अगर निकालना है कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है क्या कि पहले इनका ग्रेडियंट निकालो, एफ सरफेस का ग्रेडियंट डॉट प्रोडक्ट करो जी सरफेस के ग्रेडियंट के साथ, इसका मतलब जो ग्रेडियंट जी का आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, ग्रेडियंट एफ का आएगा वो भी वेक्टर होगा, और वेक्टर इनटू वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम, बहुत अच्छे, डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस बताओ और प्रोडक्ट कर दो इसके मॉडुलस के साथ, तो यही हमें कॉस थीटा देने वाला है, क्लियर है ना। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, डेल एफ निकालो, लो निकालते हैं हम पहले डेल एफ। डेल एफ निकालने के लिए क्या मैं आई कैप लिख दूं, क्या डेल ओवर डेल एक्स निकलेगा, डेल ओवर डेल एक्स कितना आ रहा है, 2x आ रहा है, अंदाजा बता देगा, बाकी सब तो जीरो हो गए क्योंकि x का टर्म है ही नहीं, प्लस जे कैप देखते रहो, डेल ओवर डेल वाई निकालूंगा इस एफ का, इस फंक्शन का डेल ओवर डेल वाई मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो 2y आ जाएगा, बहुत अच्छे, प्लस के कैप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू जेड, फिर से क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा, देखते रहो, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहां पर मैं वैल्यू रख दूंगा, x इक्वल टू क्या रख दूं 1, y इक्वल टू क्या रख दूं माइनस के 2, जेड इक्वल टू क्या रख दूं 1, क्योंकि ये पॉइंट गिवन है ना, ये पॉइंट क्या है, गिवन है, एक मिनट, इधर देखो इसमें x y z की वैल्यू रखेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ 2i कैप आ जाएगा, बहुत अच्छे,
प्लस वाई की जगह माइनस टू रखेंगे, टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, तो ये माइनस के फोर आ जाएगा यहाँ, इसको मिटा दें माइनस आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, टाइम वेस्ट होगा हमारा फालतू का, माइनस के फोर ठीक है। और यहां पर रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जेड की जगह पर रखेंगे तो प्लस के टू के इतना क्लियर है। ये आ गई डेल एफ की वैल्यू, बहुत अच्छे। अब मैं डेल जी निकाल रहा हूँ डायरेक्ट, देखते रहे ना, डेल जी निकाल रहे हम। डेल जी क्या है कि सर आई कैप जी का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, देखो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा सब जानते हैं, बहुत अच्छे। प्लस जे कैप, जे के साथ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव होगा, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री वाई स्क्वायर, बहुत अच्छे। प्लस के कैप, यहां जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव जी का माइनस वन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इधर देखो वैल्यू रखते हैं, एक्स इक्वल टू वन, वन का स्क्वायर इंटू थ्री, थ्री आई कैप आ जाएगा यहां, तो वाई इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री या ट्वेल्व, प्लस के ट्वेल्व जी आ जाएगा, बहुत अच्छे। देखते रहे ना, और यहां पर माइनस के, ये आ गया हमारा डेल एफ डेल जी, बहुत शानदार। हमको निकालना है क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा निकालना है। डेल एफ ये आया है हमारे पास, ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या आया, टू आई कैप माइनस के फोर जे कैप प्लस के टू के कैप, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ जी, ये इसका कर दें हम, थ्री आई कैप प्लस के ट्वेल्व जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाई, इनका अलग अलग मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड टू टू या फोर, इसका माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, टू का स्क्वायर प्लस के फोर, बहुत अच्छे। इन टू डॉट प्रोडक्ट इसका करें, मैग्नीट्यूड निकालो, थ्री का स्क्वायर नाइन, ट्वेल्व का वन फोर्टी फोर और प्लस वन, इतना क्लियर हुआ सबको, बहुत अच्छे। अब देखो आई का आई के साथ प्रोडक्ट, थ्री टू या सिक्स, बहुत शानदार। फोर का ट्वेल्व के साथ फोर्टी एट माइनस के फोर्टी एट, यहाँ वन का टू के साथ माइनस के टू डिवाइडेड बाई रूट ओवर, ये कितना है, फोर प्लस फोर एट, एट और सिक्सटीन ट्वेंटी फोर, ये होता है ना ट्वेंटी फोर इंटू, यहां पे देखो नाइन और प्लस वन टेन, टेन और वन फोर्टी फोर वन फिफ्टी फोर। अब ये जो वैल्यू आ रही है, कोई मुझे बताए कितनी आ रही है, ये तो माइनस का आ रहा होगा, फोर्टी एट माइनस ये तो हो गया कितना फिफ्टी, फिफ्टी में से सिक्स गए तो माइनस के फोर्टी फोर बचा ऊपर डिवाइड बाई नीचे बचा ट्वेंटी फोर इंटू रूट ओवर 154, बहुत अच्छे। इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखता हूं तो देख लेते हैं क्या आ रही है वैल्यू, इधर देखना, इसको सॉल्व करके लिखते हैं, ये आ रही 60.79 नीचे, और इसे 44 में डिवाइड कर दें, इसका क्या माइनस के 0.72। कॉस थीटा की जो वैल्यू आ रही है हमारी, एक बार कर आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप भी करना ठीक है, माइनस के 0.723, क्लियर है ना। तो यहां से अगर मैं थीटा निकालता हूं, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको कॉस इनवर्स कर दो, कॉस इनवर्स करेंगे तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा कॉस इनवर्स इसका किया तो देख लो माइनस के है ना 0.723 का कॉस इनवर्स करो, 136.3, इधर देखते रहना 136.3 डिग्री, बहुत अच्छे। इधर देखते रहो, एंगल तो हमारा ये आ गया, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, इधर देखते रहना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो एंगल आया है, ये कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, थीटा इज ग्रेटर देन क्या 90 डिग्री आया है, और थीटा जब 90 डिग्री से बड़ा होता है, इसे बोलते ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल सब जानते हैं, 90 डिग्री से बड़ा एंगल जो होता है ऑब्ट्यूस होता है। लेकिन अगर वो बोलता कि हमको एक्यूट एंगल बताओ, क्या बताओ, एक्यूट एंगल, यहां पे बोल देता फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू सरफेस, इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू क्या आनी चाहिए, 90 से कम आनी चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम होता है, देखो इफ इफ थीटा जो होगा 90 डिग्री से कम होगा तब हम बोलेंगे क्या एक्यूट एंगल है, ठीक है नहीं। और अगर वो बोलता फाइंड फाइंड, इसी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैं, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन क्या कर दिया हमने, इंप्लीमेंट कर दिया है, और ये इंप्लीमेंट करके क्वेश्चन भाई क्या हो गया डी के, बहुत शानदार भाई दिलीप कुमार, और गेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 2021। देखो कॉन्सेप्ट इसी तरह पूछे जाते क्या, कि अब बोलेगा फाइंड क्या, फाइंड सर फाइंड, इसी क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन होगा, बस लैंग्वेज चेंज कर देगा, बोलेगा फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द सर्फेस, फाइंड द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बिटवीन द सर्फेसिस, ये दे दिया हमको क्वेश्चन, बहुत अच्छे।
ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, डिक्टो सेम क्वेश्चन है। इसमें बोला एक्यूट एंगल बताओ। एक तो तरीका यह था कि जो हमारा एंगल आया है, जो हमारा आंसर आया है, वो आंसर जो हमारा आया था, आंसर लास्ट आंसर जो आया था वो क्या था, इधर देख लो, ये था 136.3 डिग्री। ये लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल आया था। क्या मेरे लाल क्लियर हो रहा है सबको? लेकिन हमको क्या चाहिए, एक्यूट एंगल चाहिए, और एक्यूट एंगल निकालने के लिए 180 में से माइनस करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, लेस देन 90 होगा। हम तुरंत लिख देंगे 180 माइनस 136, देखो ये आ गया 43.69, ये आ गया 43.69 डिग्री इज द आंसर, अगर एक्यूट एंगल पूछता है तो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, इधर देखो, ये कॉस जीरो से कम वैल्यू होती है, मतलब अगर 90 डिग्री से ज्यादा वैल्यू होगी तो कॉस में नेगेटिव आती है, क्लियर है ना, कॉस 90 से ऊपर नेगेटिव आता है। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव वैल्यू के लिए कॉस इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो क्या देगा वो ग्रेटर देन 90 देगा एंगल। इसका मतलब ये हुआ हमें वो वैल्यू पहले से ही पॉजिटिव होनी चाहिए। तो फॉर एक्यूट एंगल के लिए ये फॉर्मूला लगाना है हमेशा, अगर एक्यूट एंगल देता है क्वेश्चन में फॉर एक्यूट एंगल, क्योंकि बाद में जैसे ही आंसर आएगा तो आप भूल जाओगे, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस है क्या है, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा उस दौरान, आप फिर क्या है सीधा यही आंसर लिख के आ जाओगे, गलत हो जाएगा। तो एक्यूट एंगल जब भी देता है तो हमें क्या कैसे करना है सॉल्व, कॉस थीटा की वैल्यू मॉड में सॉल्व करनी है, मॉड में मतलब इससे जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे पॉजिटिव कंसिडर करके करना है, जैसे डेल एफ टू डेल जी डिवाइड बाई मॉड ऑफ डेल एफ, मॉड ऑफ डेल एफ, मॉड ऑफ क्या है डेल एफ इनटू मॉड ऑफ डेल जी, क्लियर है ना। इसको हमें क्या लेना है, सारी वैल्यू पॉजिटिव में कंसिडर करनी है, भूलना नहीं है। जितनी भी कैलकुलेशन आएगी, एक्यूट एंगल के लिए बोल रहा हूं, जो कैलकुलेशन आ रही है, कैलकुलेशन विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव ऑलवेज, क्लियर है ना। अगर जैसे हमारी यहां नेगेटिव आई थी ना, देखो प्रीवियस में ये नेगेटिव आई थी, इसका मतलब इसका साइन चेंज कर दो बस, और साइन चेंज करके निकालोगे सेम आंसर आएगा। देखो मैं अगर खाली 0.723 का निकालना चाहता हूं, 0.723 का पॉजिटिव में निकाल ले, देखो 0.723 का कॉस इनवर्स निकाल लें, कॉस इनवर्स तो ये आ रहा 43.69, आंसर क्या है देखो वही आ रहा 43.69, 100% करेक्ट आएगा। तो क्या ये याद हो जाएगा सबको, क्या क्लियर हो गया सबको कैसे करना है, एक्यूट एंगल अगर पूछता है तो एक्यूट एंगल के लिए जो भी कैलकुलेशन आ रही है ये वाली, इसको पॉजिटिव लेना है हमेशा। अगर वो एक्यूट एंगल की बात नहीं करता है तो जो आ रही चाहे नेगेटिव आ रही सी नेगेटिव में कैलकुलेशन करना है, पॉजिटिव आ रही सी पॉजिटिव में कैलकुलेशन करना है। अगर वो किसी भी चीज की बात नहीं करता, ना एक्यूट की बात करता है ना ऑब्ट्यूस की बात करता है, क्लियर है ना। इतना क्लियर हुआ सबको, उम्मीद करता हूं मजा आ गया होगा। हमने जो पहला लेक्चर पढ़ा था, पहले लेक्चर में जो कंसेप्ट सीखे थे उसके बेस पे सारे क्वेश्चन कर लिए। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, क्लियर है ना, मैंने एक नोट करके लिखाया था, एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, और वो आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, कब करेंगे, लेकिन जब आप लोग कमेंट करोगे। अगर मेरे पास कमेंट नहीं आए, लोगों ने सॉल्व नहीं किया, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग सॉल्व नहीं करना चाहते हो, फिर मैं भी इसको सॉल्यूशन नहीं कराऊं क्या, क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर, इधर देखते रहना, क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस के लिए, बोला है कि फाइंड द कांस्टेंट ए एंड बी सच दैट सरफेसेस, ये सरफेस दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड इक्वल टू ए प्लस टू एक्स, क्लियर है ना, एंड फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यू इक्वल टू फोर एट, ये पॉइंट दे रखे हैं ऑर्थोगोनल, मतलब दो सर्फेसेज अगर ऑर्थोगोनल हैं तो ए और बी की वैल्यू बताओ, और इसको कमेंट करके बताना है, क्लियर है ना। तो आंसर में क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट ए की वैल्यू बतानी क्या होगी, बी की वैल्यू भी बतानी क्या होगी, और हम चेक करेंगे, क्लियर है ना। इतना क्लियर सबको, तो क्या आज के लेक्चर में वाकई में मजा आ गया, क्या आपको नए कंसेप्ट सीखने को मिले, क्या आपको कंसेप्ट को अप्लाई करना सीखने को मिला, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था लेक्चर वन में, क्या आप उससे सेटिस्फाई हो, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाई हो तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करो, और हमेशा याद रखना जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। बहुत से लोग ये सोचते हो कि नहीं मैं नहीं शेयर करूंगा, नहीं वो मुझसे ज्यादा सीख जाएगा, जिसको सीखना है वो दुनिया जहां में कहीं ना कहीं से सीख रहा होगा, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्लियर है ना। बस आप लोगों को, अगर आप किसी का हेल्प करोगे तो आपका भी कोई ना कोई हेल्प जरूर करेगा, 100% करेगा, क्लियर है ना।
यही क्या है, ये लॉ ऑफ कर्मा है कि जैसा आप करोगे ऐसा ही आपको मिलेगा रिटर्न में। क्लियर है ना? आप अगर किसी की हेल्प करते हो तो इसके बदले में आपकी भी कोई ना कोई हेल्प करने के लिए खड़ा है। अगर आप किसी की हेल्प नहीं करना चाहते हो तो आपकी भी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता। क्लियर है ना? इसीलिए हमेशा चीजों को क्या किया करो, शेयर किया करो। आप तो पढ़ रहे हो, दूसरों को भी पढ़ने का मौका दो। कंटेंट को लोगों के पास पहुंचने दो। अगर उनको अच्छा लगेगा तो वो खुद ही देखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है ना? आज के लिए इतना ही बहुत है। फिर मिलते हैं स्ट्रेंथ इसी के साथ, मैथमेटिक्स के लेक्चर के साथ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे डायवर्जेंस क्या होता है, डायवर्जेंस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, और इनकम्प्रेसिबल वेक्टर कब बोलते हैं, और हमारा सोलेनोइडल वेक्टर कब होता है। और मैं रिलेट भी करूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स के कंसेप्ट के साथ, इनकम्प्रेसिबल वेक्टर का एक्चुअल टेक्निकल मीनिंग क्या होता है, टेक्निकल सब्जेक्ट में हम मैथमेटिक्स को कैसे अप्लाई करते हैं। आगे का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो लेक्चर को देखना नहीं भूलना है। आराम से बैठे रहना, तैयार होके सुबह 10 बजे कॉपी पेन लेके, हाँ अब लेक्चर आने वाला है और हमको बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्लियर है? इसी तरह से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, यही हमारी कामना है। और देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। फिर मिलेंगे कल सुबह 10 बजे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच। क्लियर है?